बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद इरफान सिद्दीकी और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए बहुत ही खूबसूरत 10 मरला डबल स्टोरी घर लेके हाजिर हुए हैं, जो कि बहरिया टाउन लाहौर में है और इसमें 5 बेडरूम, 2 टीवी लॉन, 2 किचन, 1 ड्राइंग रूम और 1 गैराज है, जिसमें 3 गाड़ियाँ खड़ी होने की स्पेस है। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपके सामने इसकी तमाम डिटेल्स, लोकेशंस और प्राइस आपके सामने आ सके। तो प्राइस और डिटेल्स हम आगे जाकर आपके साथ शेयर करते चलेंगे। साथ साथ ये सामने जो देख रहे हैं आप, इसका गैराज है जहाँ पे माशाल्लाह बहुत ही वाइड स्पेस है इसकी, इसमें 3 गाड़ियाँ खड़ी हो सकती हैं ईजीली। ये इसका सीलिंग डिज़ाइन गैराज का और ये साइड पर इसकी स्पेस, 5 फिट की स्पेस है इसकी। इसकी डायमेंशन जो है वो आपके साथ आगे चल के शेयर करेंगे। और ये भी यहाँ एक गाड़ी खड़ी हो सकती है और 2 गाड़ियाँ यहाँ खड़ी हो सकती हैं। सामने इसका मेन डोर जो अंदर जाने के लिए है लॉबी में खुलता है, और ये जो है इस साइड वाला ये ड्राइंग रूम का सेपरेट डोर दिया हुआ है, सेपरेट एंट्रेंस भी है। तो हम इंशाल्लाह भाई तला लॉबी से एंट्रेंस मेन से इंटर होते हैं। तो ये देख रहे हैं आप इसका मेन डोर का डिज़ाइन, यहीं से अंदर एंटर होते हैं जी। ये हम लॉबी में आ गए और ये लेफ्ट साइड पे मेरे स्टेयर्स हैं फर्स्ट फ्लोर पे जाने के लिए, और ये साइड पे पोर्टर बाथ है। ये पोर्टर बाथ है, सीट और सामने वेंटी और वो ग्लास। इसमें ये जो लैदा एक टीवी लॉन को और ग्राउंड फ्लोर को एक सेपरेट कर दिया गया है, अगर आप ऊपर वाला पोर्शन जो है वो रेंट पे देना चाहते हैं तो ये सेपरेट भी हो सकता है। तो ये सामने जो है टीवी लॉन है, टीवी लॉन से ये दरवाज़ा सिर्फ टीवी लॉन का है और सामने ये टीवी लॉन ओपन हो गया। ये आप टीवी लॉन देख रहे हैं सुकत, ये सामने एलईडी पॉइंट्स, टीवी लॉन का सीलिंग डिज़ाइन है ये इस वक्त आप जो देख रहे हैं। और उसके बाद ये लेफ्ट साइड में बेडरूम है, 2 बेडरूम ग्राउंड फ्लोर पे हैं। टीवी लॉन को दूसरे एंगल से आपको दिखाते हैं, ये टीवी लॉन का दूसरा एंगल है जी, दूसरी साइड से हम दिखा रहे हैं आपको। सामने किचन है, किचन आपको विजिट करवाते हैं इसका। ये बहुत ही खूबसूरत किचन आप देख रहे हैं इस वक्त, 10 मरला डबल स्टोरी घर है ये। ये साइड पे जो ये स्पेस दी गई है, यहाँ पे फ्रिज वगैरह आ सकता है, किचन कैबिनेट्स वगैरह आप देख रहे हैं सुकत। हुड ऑलरेडी इस पे इंस्टॉल है, ओवन। उसके बाद आपको इसके ड्राइंग रूम की तरफ लेके चलते हैं। ये इस वक्त हम ड्राइंग रूम में आ गए, वाइट टाइल विद ब्लैक बॉर्डर, सामने वेंटिलेशन के लिए विंडो दी गई है और ये इसका सीलिंग डिज़ाइन। वो डोर जो है वो बाहर से ओपन होता है, आप कोई गेस्ट वगैरह आता तो इसको आप सेपरेट करके बाहर से एंटर आ सकते हैं आप। और ये इसकी एक वॉल ये है, बहुत ही खूबसूरत वॉल। ये ड्राइंग रूम ही है इस वक्त, और ये इस साइड ये दूसरे एंगल से आपको ये लहदा से यहाँ पे डोर है, इसको सेपरेट करना चाहें तो आप सेपरेट भी हो सकता है। ये ड्राइंग रूम है जी, ये आप सेपरेट करना चाहते हैं तो उसको सेपरेट भी हो जाएगा। इसके बाद हम आपको बेड की तरफ लेके चलते हैं, फर्स्ट बेडरूम। ये हम फर्स्ट बेडरूम में आ गए, सामने विंडो वेंटिलेशन के लिए और ये साइड पर कबर्ड्स हैं बेडरूम की। ये वॉल है, बहुत ही खूबसूरत निश से बनाई गई है और सामने बाथरूम का डोर है। इसके बाद इसका सीलिंग डिज़ाइन, उसके बाद हम ये इसके वॉशरूम में आ गए। ये इसका बाथ है, सामने वैनिटी देख रहे हैं आप इस वक्त, स्पेनिश टाइल लगाई गई है इसके अंदर, और ये इसका सीलिंग डिज़ाइन।
वाशरूम का, और साइड पे शावर कैबिन है, और इसी तरह ये विंडो वेंटिलेशन के लिए, कमोड, ऑल एक्सेसरीज इसमें इंस्टॉल है ऑलरेडी। चलते हैं आपको दूसरे बेडरूम की तरफ लेके, ये जो मैं आपको पास में बेड दिखा रहा था उससे की कबर्ड्स हैं, दूसरे बेडरूम की तरफ चलते हैं। ये दूसरे बेड में हम आ गए, ये विंडो सामने उससे की वेंटिलेशन के लिए, इसी तरह ये निच है, उसके बाद इसका सीलिंग डिज़ाइन, इसका ये सीलिंग डिज़ाइन है जी, इसी तरह ये इसके सामने कबर्ड्स हैं इस बेडरूम के, उसके बाद आपको बाथरूम के लिए एक तरफ लेके चलते हैं इसका। ये सामने वेंटी जी बाथ कोई, ये देख रहे हैं सामने ग्लास, ब्लैक टाइल, और वॉल्स के ऊपर जो टाइल्स हैं वो भी ब्लैक और ग्रे कलर की हैं। उसके बाद ये साइड पे इसका शावर एरिया, बड़ी बहुत अच्छी वाइट स्पेस है इसकी, ये कमोड्स, उसी तरह इसका ये सीलिंग डिज़ाइन। ग्राउंड फ्लोर पे तकरीबन ऑल विजिट हो गया है, इसके बाद आपको फर्स्ट फ्लोर की तरफ लेके चलते हैं। ये इस वक्त हम सीढ़ियों से ऊपर जा रहे हैं, ये ऊपर सीढ़ियाँ जा रही हैं, ये फर्स्ट फ्लोर की लॉबी सामने आप देख रहे हैं, ये टेरेस पे जाने के लिए ये डोर है इस साइड पे, मैं आपको दूसरी साइड से दिखाता हूँ, और वो मेन एंट्रेंस डोर, और ये इसका सीलिंग डिज़ाइन लॉबी का। और इसी तरह ये जो सीढ़ियाँ लॉबी से ही ऊपर जा रही हैं टॉप पे, टॉप छत जो है इसके ऊपर जा रही हैं सीढ़ियाँ, और ये साइड पे सामने टेरेस है, और ये इसका टेरेस का डोर। ये हम फर्स्ट फ्लोर के टीवी लॉन में आ गए हैं, ये टीवी लॉन के अंदर से ही ये सामने जो है ना टू बेडरूम की इंट्रेस है, और इस साइड पे एक बेडरूम की इंट्रेस है। ये सामने जो है ना एलडी पॉइंट है इसका, उसके बाद इसका ये सीलिंग डिज़ाइन टीवी लॉन का, दूसरे एंगल से भी आपको टीवी लॉन दिखाते हैं। ये दूसरे एंगल से आपको टीवी लॉन दिखाया जा रहा है, सामने दो बेडरूम की जो इंट्रेस हैं वो हैं, जो लेफ्ट साइड पे और राइट साइड पे दो बेडरूम है, और सामने किचन, किचन में लेकर चलते हैं आपको। ये किचन है जी इसका, बहुत अच्छा और सेपरेट किचन माशाल्लाह दिया गया है इसके ऊपर, फर्स्ट फ्लोर का लहदा से किचन है, ये सीलिंग डिज़ाइन आप किचन का देख रहे हैं, और सामने विंडो वेंटिलेशन के लिए, और इसी तरह हम आपको इसके फर्स्ट ये साथ ही इसके जो है ना स्टोर रूम है, स्टोर रूम आपको विजिट करवा देते हैं। काफ़ी स्पेसिबल स्टोर है, ये वाइट टाइल, और ये इसका सीलिंग ऊपर सादा है बस। इसके बाद हम चलते हैं जी आपको इसके फर्स्ट बेडरूम, फर्स्ट फ्लोर का फर्स्ट बेड, ये वाइट टाइल विद ब्लैक बॉर्डर, और ये सामने विंडो वेंटिलेशन के लिए, सीलिंग डिज़ाइन ये आपके सामने, और ये इसमें जो वॉल्स के ऊपर डिज़ाइन दिया गया है, बनाई गई है, उसके अंदर जो वॉलपेपर का टच दिया गया है इसके अंदर, और इसके साथ ही आपको इसका बाथरूम का विजिट करवाते हैं। ये इसकी विंडो वेंटी, और साथ में बाथ का डोर, और ये इसकी वार्डरोब्स। इस वक्त हम इसके बाथरूम की तरफ आ गए, ये बाथ है जी इसका, इस बेड का, ये सामने आपको वैनिटी नज़र आ रही है, इस तरह विंडो वेंटिलेशन के लिए, वाइट टाइल और ब्लैक टाइल के साथ इसका टच दिया गया है। ये इसका बाथ का सीलिंग डिज़ाइन। उसके बाद हम चलते हैं आपको दूसरे बेडरूम की तरफ लेके, ये दूसरे बेडरूम में आ गए हम, ये सामने आप देख रहे हैं विंडो वेंटिलेशन के लिए, और ये इसका सीलिंग डिज़ाइन।
ये देख रहे हैं सीलिंग डिज़ाइन इसका, और ये वॉल जो है इसकी ऊपर निश दी गई है। ये इसके अंदर वार्डरोब है जी, इसकी वार्डरोब काफ़ी स्पेसिबल हैं जी, फुल एंड तक बनाई गई हैं, छत तक काफ़ी सामान आ सकता है इसके अंदर। वो सामने डोर जो है वो वॉशरूम का है, ये इसका वॉशरूम है जी इस बेड का, और ये वेंटी, वेंटी के साथ सामने ऊपर लाइट देख रहे हैं आप, लाइट्स हैं। और इसके बाद ये इसका सीलिंग डिज़ाइन, और ये इसका शावर एरिया। इसके बाद हम आपको तीसरे बेडरूम की तरफ लेके चलते हैं। ये हम इसके तीसरे बेडरूम में आ गए, टाइल देख रहे हैं वाइट टाइल विद ब्लैक बॉर्डर, और ये सामने विंडो वेंटिलेशन के लिए। उसके बाद इसका ये सीलिंग डिज़ाइन, सामने वॉशरूम का डोर। बेडरूम को दूसरे एंगल से दिखा रहे हैं आपको, ये एक वॉल जिसके ऊपर वॉलपेपर लगाया गया है, उसके बाद चलते हैं आपको इसके, ये वार्डरोब है इसका, वार्डरोब जो इस बात जो कमरे की वार्डरोब्स हैं। उसके बाद आपको इसके जो है ना बाथरूम की तरफ लेके चलते हैं। ये सामने वॉशरूम है जी इसका, वेंटी, और ये इसका सीलिंग डिज़ाइन, और ये कमोड्स, और इसका शावर एरिया। इस घर की प्राइस जो है, इसके बाद ही हम आपको इसके टेरेस पे ले आए। ये बाहर टेरेस है इसका, और ये देख सकते हैं काफ़ी स्पेसिबल टेरेस है इसका। ये इसका टेरेस है जी, ऊपर से सीढ़ियाँ आ रही नीचे। गली का ओवरव्यू करवाते हैं आपको इसमें। ये है जी, इस घर की प्राइस 2,35,00,000 रुपए हैं। अगर घर आप इस घर को बाय करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर के ऊपर रब्ता करें। ये इसका गली का ओवरव्यू है टोटल। इसकी लोकेशन जो है सेक्टर ई बैरियर टाउन लाहौर है। मज़ीद मालूम के लिए आप हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। वीडियो को यहीं एंड करते हैं। फ़ी इमानुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।